पार्लियामेंट रोड पे मेरा दफ्तर है, अगर पार्लियामेंट रोड पे किसी ने एक पिस्तौल भी दिखाया किसी को कुछ जरूरत कर, लेकिन हमारा एयरपोर्ट रोड पार्लियामेंट रोड से ऊपर है। मैंने आज से जो है 2 साल पहले एक मैकडोनल का जो है KFC का मैंने अप्लाई किया हुआ है, रोड पे जो है 2 दफ़ा जो है 10-10 गाड़ियाँ गुजरी, उसने जो है उसी टाइम पे नो करवा दिया कि या फिर आप लोगों का जो है हालत सही नहीं है। तो मैं सबसे ज़्यादा जो है इस आप हजरा से कहता हूँ कि इस तरह गुंडे लोगों का और इस तरह और बाकी जो भी आप लोगों का कोई सवाल है मेरे ऊपर कर। नहीं, मेरे कोई भी जो है इसके साथ ये नहीं था, मुझे इसके जो बंदों ने कॉल किया, ये मुझे जो है कहते हैं कि आपके साथ जो है यहाँ पे गाड़ियों और ज़मीनों और आपका पेट्रोल पंपों का बिजनेस है, आप लोगों ने मुझे भत्ता देना है। भत्ता किस मत में देना है बता, या तो गाड़ी आपने देनी है या तो आप लोगों ने ज़मीन की मत में देनी है। इस लोगों का जो है बार बार मुझे यही काले आ रहे थे और मैंने जो है इसके बारे में जो है CM बलूचिस्तान को आगाह किया, मैं खुद मिला और मैंने जो है IG पुलिस जो है खलीक शेख साहब को आगाह किया, मैंने उमरानी साहब SSP ऑपरेशन को जो है आगाह किया, मैं सेक्टर कमांडर SI के पास गया, ब्रिगेडियर गोंदल साहब के पास, मैं CCPO के पास गया, मैंने सबको आगाह किया। मौके में तजाद नहीं है, दहशतगर्द और बत्तखोर एक ही होते हैं। मेरे मुल्क में जो है दहशतगर्द जो है, मैं आपको बोलता हूँ, बत्तखोर जो है वो भी किसी मुल्क के इशारे पे काम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, और दहशतगर्द भी किसी मुल्क के कहने पे काम कर रहे हैं, दोनों एक ही जगह होती है। और सर साफी पे कोई इल्जाम नहीं लगाया हुआ है? साफी पे मेरे ये इल्जाम मैंने लगाया हुआ है, साफी पे मैं अभी भी कहता हूँ कि साफी पे मैंने इल्ज़ाम लगाया हुआ है, मैं ये कहता हूँ कि साफी मजलूम के साथ मदद करे, ये बता मैं नहीं कहता हूँ मजलूम के साथ जो है मजलूम के साथ हेल्प करे। आप मैं ये कहता हूँ कि आप लोग इस लोगों से न डरे, मैं आपको कहता हूँ कि जिंदगी और मौत जो अल्लाह के हाथ में, आपका भी कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकते, जब हमारा नहीं बिगाड़ सकते, रहीम साहब का नहीं बिगाड़, आप लोगों का भी नहीं बिगाड़ सकते। मेरे मकसद ये कि आप मजलूम के साथ देवे, आप मजलूम पुलिस मेरे अगर जिंदगी भर जो है नजीब और सईद, मैं अगर जिंदगी भर मेरे इससे कोई भी कारोबारी लेन देन या मेरे एक भी जायदाद का तनाजा था, तो मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ, इंतकाल से उठा करके, रजिस्ट्री से उठा करके, रेवेन्यू रिकॉर्ड से उठा करके, DC ऑफिस से उठा करके, कमिश्नर ऑफिस से उठा करके, अगर मेरे एक भी इसके साथ लेन देन इस मामले में था, जो आप लोग कहेंगे, जो भी जुर्माना है, जो चोर का जुर्माना है वो मेरे पुलिस का ये कारकर्दगी है कि पुलिस कल मेरे पास आया और पुलिस ने जो है खोल इकट्ठे किए 27 खोल, पुलिस ने जो है FIR कटवा दिया, कल इसके घर पे जो है रेड किया, इसमें जो है 2 बच्चे उसने उस लोगों के जो है 2 मतलब ये कि बच्चे थे 26-27 साल का, वो मुझे WhatsApp आया कि ये लड़के, मैंने कहा कि नहीं, दोबारा मैंने उसका जो है उस तीनों का जो WhatsApp पे तस्वीर था मैंने वो निकाला, उसको ये भिजवाया। अगर कोई भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन का जो है सईद और नजीब का मेरे साथ कोई ताल्लुक है वो लेके आ जाए और दिखा दे, कोई भी अगर जिंदगी भर मैंने सईद या नजीब सन आप नसीबुल्ला बाजे जो इसका वालिद भी है, अगर उसी के नामों से या मुझे ट्रांसफ़र हुआ या उसका मुझे ट्रांसफ़र आया, तो जो भी आप लोग कहेंगे उसे, लेकिन ये हम लोग तो परीख नहीं, हम लोग जो ताजर के साथ जो भी वाक्य होता है हम ताजर के साथ खड़ा है, हमारा तो मकसद ये है कि ताजर के साथ जो वाक्य होता है हम ताजर के साथ हुआ है, लेकिन ये तो हम लोगों को अभी तक पता नहीं है कि किसने किया है। अभी जब नसीबुल्लाह साहब ने नाम लिया कि इस बंदू ने किया है,
ابھی تو پولیس تفشیش کر رہی ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ تو واضح ہو جائیں گے کہ کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، اور یہ شورم جو یہ تو 5 سال 6 سال ہوا ہے کہ بن گیا ہے، کام ہو رہا ہے 6 سال اور 10 سال پہلے یہ کدھر تھے، تو یہ تو ایک سوال ہے اٹھ جائیں گے کہ 6 سال 10 سال آپ لوگ کدھر تھے جب آئے ابھی آ گیا. تو ہم لوگ جو ہے ہم لوگ ابھی 20 سال سے بعد میں 20 سال، لیکن تاجر کے ساتھ جب واقعہ ہوتا ہے ہم پہنچ جائیں گے. ابھی وارون سینٹر کے اوپر جب فائرنگ ہوا ہے تو ہم لوگ پہنچ گیا تھا، ہمارا مظاہرے، ہمارا درنے، ہمارا جو بھی وہاں جس تاجر کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے ہم لوگ ادھر پہنچ جائیں گے. تاجر سارا برابر ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے کوئی فرق نہیں، جو جس تاجر کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے ہم پہنچ جائیں گے. میں اپنے خاندان، اپنے بھائیوں سے، اپنے کزنوں سے، اپنے چاچوں سے اسی مشورے میں کہ خدارا اگر ہم لوگوں نے اپنے آپ سے بچنا ہے، اس غنڈہ گردوں سے بچنا ہے، اگر گورنمنٹ مجھے تحفظ نہ دے تو میں مجبوراً جاؤں گا، اگر مجھے تحفظ نہیں دیا کیا تو میں جاؤں گا. اگر پھر بھی میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ اگر تحفظ نہیں دے سکتے تو جتنا آپ مجھ سے ٹیکس لے رہے اسی کا 2% ٹیکس آپ چھوڑ دیں، میں سیکورٹی اپنے جو پرائیویٹ کمپنیوں سے لے لیتا ہوں. مجھے پرائیویٹ کمپنیوں سے 30-30 ہزار روپئے پہ بندے ملیں گے تو کیا میں 30 بندے ساتھ لگا دیتا ہوں؟ تھینک یو، مہربانی.